इंडी गठबंधन के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि जो भी वो करते वो उल्टा पड़ जाता है। जैसे बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला वीडियो नवरात्र वाले दिन पोस्ट किया, खाए एक दिन पहले थे, पोस्ट नवरात्र वाले दिन कर दिए और बीजेपी को चिढ़ाने का प्रयास किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बोल पड़े। और राहुल गांधी और लालू यादव के सावन के महीने में मटन बनाने और खाने की बात भी याद दिला दी। नरेंद्र मोदी के बोलते ही मटन की हड्डी जैसे लालू तेजस्वी राहुल के गले में फंस गई और तेजस्वी का हंसी मजाक इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के ऐसे वीडियोस को लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश बताया। पीएम ने कहा कि लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इतना ही नहीं इसका वीडियो भी बनाते हैं और ये लोग जारी करते हैं। हालांकि आगे पीएम ने यह भी कहा कि किसी के खाने पीने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कब और क्या खाते हैं और दुनिया को कैसे दिखाते हैं इसका खास मतलब होता है। पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको उस वीडियो की पूरी डिटेल बताऊंगा जिस पर पीएम ने तेजस्वी के साथ ही राहुल को भी घेरा है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपने भले खाया एक दिन पहले था, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन वीडियो पोस्ट करके हिंदुओं की भावना को आहत करना चाहते हो क्या और किसी और को खुश करना चाहते हो क्या, वो सवाल पूछ रहे हैं। पीएम ने ऐसी बात इसलिए की क्योंकि कुछ दिन से तेजस्वी यादव की उस वीडियो की बड़ी चर्चा है जिसमें वो मछली खाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के पहले दिन यानी 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो पर बहुत विवाद हो गया क्योंकि नवरात्र का सनातन में काफी महत्व है। नवरात्र के मौके पर पूरे 9 दिनों तक सनातन को मानने वाले लोग शक्ति की आराधना करते हैं, इसलिए तेजस्वी के वीडियो पर विवाद हुआ कि नवरात्र में ऐसे वीडियो डालने का क्या मतलब, जबकि खाए तो एक दिन पहले थे। तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे और बकायदा उसकी डिटेल भी बता रहे थे। एक बार वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। जब इस वीडियो पर विवाद हो गया तो तेजस्वी ने कहा कि यह वीडियो नवरात्र का है ही नहीं, एक दिन पहले का है, वो तो बीजेपी वालों का आईक्यू चेक कर रहे। लेकिन तेजस्वी पर सवाल ये उठे कि आखिर एक दिन पहले का वीडियो नवरात्र जिस दिन शुरू हुआ उस दिन क्यों डाले बॉस, जिस दिन का वीडियो था उसी दिन वीडियो पोस्ट कर देते। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि उसी तरह से जब सावन का महीना चल रहा था तो राहुल गांधी लालू यादव से मटन बनाने की रेसिपी सीख रहे थे। ये वीडियो करीब 7 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 का है, उस वक्त सावन का महीना चल रहा था जिसे सनातन धर्म में पवित्र महीना माना जाता है, कई लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। लेकिन राहुल गांधी सावन के इस पवित्र महीने में लालू यादव से मटन की सीक्रेट रेसिपी सीखने पहुंच गए। उन्होंने लालू यादव के परिवार के साथ मिलकर न सिर्फ मटन बनाया बल्कि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब प्रधानमंत्री यही सवाल पूछ रहे हैं कि सावन के महीने में ये लोग मटन बनाकर वीडियो डालते हैं, नवरात्र में मछली खाकर वीडियो डाल देते हैं, नवरात्र शुरू हो रहा है तो आप बताइए कि क्या ये जानबूझकर कर रहे हैं किसी को आहत और किसी को खुश करने के लिए, नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव अब पीएम मोदी पर लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। पीएम के बयान पर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, फिर मछली वाले वीडियो पर तेजस्वी यादव और लालू यादव का डिफेंसिव वीडियो भी दिखाऊंगा।
ही खाना चाहिए, ही पीना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको ये सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें, पलायन कैसे रुकेगा। और मोदी जी तो हर 5 साल पे आते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि मछली वाले वीडियो पर लालू परिवार किस तरह से डिफेंसिव मोड में दिख रहा है। तेजस्वी यादव मछली वाले वीडियो पर बीजेपी के निशाने पर आए तो उन्होंने एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो में भी तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी दिखाई दिए, लेकिन इस बार खाने के लिए तेजस्वी के हाथ में मछली नहीं बल्कि संतरा दिखाई दिया। इसी तरह मछली विवाद के बीच लालू यादव का भी एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में लालू यादव खुद भी सत्तू खा रहे हैं और अपनी पोती को भी सत्तू खिला रहे हैं। बिहार में मटन मछली सत्तू को लेकर हो रही इस राजनीति के बीच नीतीश कुमार अपनी अलग ही दुनिया में है। वो इस बार नए तरीके से प्रचार करने निकले हैं। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार कोई चुनावी रथ लेकर निकले। नीतीश ने अपने चुनावी रथ को निश्चय रथ का नाम दिया। इसी रथ में बैठकर नीतीश कुमार जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार इस रथ पर सवार होने नवादा पहुंचे। नीतीश कुमार इतने जोश में थे कि 400 पार के नारे को कह दिया कि अब की बार 4000 पार। ज्यादा जोश आ गया होगा तो 400 को 4000 पार बोले। सुनिए कैसे नीतीश कुमार के मुंह से 4000 पार निकला और कैसे उन्होंने फिर अपनी इस गलती को तुरंत हालांकि सुधार भी लिया। इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार। इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार। पब्लिक भी मजे ले रही है, हंस रहे हैं सब। साइड से किसी ने बताया 400 तो कह रहे हैं गलती से निकल गया। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच एक सीट की बड़ी चर्चा भी हो रही है। यह सीट है काराकाट की लोकसभा सीट। यह सीट इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि इस सीट से भोजपुरी के पॉपुलर सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उनके गानों को लेकर हुए विवाद के बाद पवन सिंह ने आसनसोल का टिकट लौटा दिया। लेकिन आसनसोल से हटने के बाद अब पवन सिंह ने अचानक यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि वो बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। काराकाट सीट पर एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट हैं, जबकि इंडी गठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के कैंडिडेट एक ही जाति से आते हैं। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि काराकाट सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कुशवाहा जाति के कैंडिडेट ही सांसद चुने जाते रहे। काराकाट सीट पर अंतिम यानी 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे यह अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। पवन सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात की है, जिससे अटकलें ये लग रही हैं कि वो हो सकता है बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे। हालांकि पवन सिंह अभी खुद कुछ नहीं बता रहे। बिहार में तो चुनावी घमासान मचा है, लेकिन यूपी में बीजेपी के लिए मामला सेट दिख रहा है क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ हैं और ऊपर से एनडी गठबंधन की इतनी मुश्किल है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। मायावती ने अखिलेश के लिए क्या और मुसीबतें बढ़ा दी हैं वो आगे बताऊंगा आपको, लेकिन पहले देख लीजिए कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट आई और इसमें 2 सीटों के कैंडिडेट के नाम घोषित हुए। कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह और पिंटू सैंथवार को टिकट दिया गया है। कुशीनगर से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय दुबे को फिर से टिकट दिया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को भी फिर से टिकट दिया है। लेकिन यूपी में मायावती सबका खेल बिगाड़ने में ऐसा लग रहा है जुटी हुई है। कहीं पर मुस्लिम, कहीं पर ब्राह्मण, कहीं पर ओबीसी कैंडिडेट उतार दे रही है। आज बीएसपी के 9 कैंडिडेट्स की नई लिस्ट आई जिसमें 3 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम और 3 ओबीसी हैं। आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के निरहुआ के सामने बीएसपी ने भीम राजभर को उतार दिया। राजभर वोट बीजेपी के साथ है तो वहां बीजेपी के लिए यह चुनौती होगी।
घोसी से बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया। घोसी में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजभर के बेटे का खेल बिगाड़ सकते हैं। बस्ती से बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट हरीश द्विवेदी हैं, तो यहां बीजेपी के लिए चुनौती हो जाएगी। गोरखपुर से बीएसपी ने जावेद सिमनानी को टिकट दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ेगा। बीजेपी से रवि किशन और सपा से काजल निषाद यहां कैंडिडेट हैं। फैजाबाद से बीएसपी ने सचिदानंद पांडे को टिकट दे दिया। फैजाबाद में बीजेपी से लल्लू सिंह और सपा से दलित नेता अवधेश प्रसाद कैंडिडेट हैं। एटा सीट से बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद इरफान को टिकट दिया। एटा सीट पर सपा ने देवेंद्र शाक्य को कैंडिडेट बनाया है, यहां सपा को नुकसान हो सकता है कहा जा रहा है। धौरहरा से बीएसपी ने श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया। धौरहरा में बीजेपी ने मौजूदा सांसद रेखा वर्मा को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। इसी तरह से चंदौली में बीएसपी ने सत्येंद्र मौर्य को टिकट दिया। चंदौली से सपा ने वीरेंद्र सिंह और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को फिर से टिकट दिया है। रॉबर्ट्सगंज में बीएसपी ने धनेश्वर गौतम को टिकट दिया। एनडीए ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। एसपी ने अभी यहां से अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। यूपी में अभी बीजेपी की 4 सीटें बची हुई हैं जिनमें कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं हुए हैं। इसमें एक तो रायबरेली है, दूसरा देवरिया, तीसरा फिरोजाबाद, चौथा कैसरगंज। अब हो सकता है रायबरेली में इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस किसको उतारती है, तो देख के फिर उतारा जाए। कैसरगंज सीट से बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह सिटिंग सांसद हैं, लेकिन इस बार उनके टिकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बृजभूषण सिंह कैसरगंज से अपनी सीट पक्की मानकर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी उनका टिकट लटका कर रखा है। उधर नाम की घोषणा हुए बिना बृजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने ही अंदाज में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, गाड़ी का काफिला वगैरह लेके चुनाव प्रचार में जुट गए। अभी नाम घोषित नहीं हुआ है। बिना अनुमति गाड़ियों का काफिला निकालने पर बृजभूषण के खिलाफ आचार संहिता का मामला भी दर्ज हो गया, लेकिन बृजभूषण को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो शक्ति प्रदर्शन तो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका टिकट कौन काटेगा। लेकिन जब प्रचार की बात हो ही रही है तो बृजभूषण के टिकट पर तो अभी सस्पेंस है, लेकिन जिनको टिकट मिल गया वो पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के 2 स्टार कैंडिडेट्स ने कैंपेनिंग की पूरी लाइमलाइट लूट रखी है। यूपी के मथुरा में हेमा मालिनी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत धुआंधार प्रचार कर रही है। कंगना की बात आगे करेंगे, पहले हेमा मालिनी की बात करते हैं जो मथुरा से सिटिंग सांसद है और एक बार फिर उन्हें मथुरा से टिकट मिला है। हेमा मालिनी पूरी ताकत के साथ मथुरा में चुनाव प्रचार में जुट गई। आज हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में उतर गई। पिछले बार भी चुनाव में ही उतरी थी, फिर 5 साल पता नहीं खेत में गई कि नहीं गई, आज फिर उतर गई खेत में। खेत में काम कर रही एक महिला से फसल काटने वाला हंसिया लिया और गेहूं की पकी फसल काटती नजर आई। हेमा मालिनी बलदेव इलाके के हयातपुर गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने फसल कटाई का तजुर्बा और जानकारी दोनों ले ली। इस्तेमाल क्या करेंगी उस जानकारी का भगवान जाने, क्योंकि खेतों में फिर तो कभी जाती नहीं। लाल साड़ी में हेमा मालिनी की खेतों में कटाई करती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उधर मंडी में कंगना रनौत ने कांग्रेस के पसीने छुड़ा रखे हैं। कंगना के चुनाव प्रचार में भीड़ उमड़ रही है। कंगना जहां जा रही हैं उनकी पब्लिक मीटिंग रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। दूसरी तरफ कंगना के छोटा पप्पू वाले बयान पर मंडी में घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर हमला किया। कंगना ने सियासत में वंशवाद पर हमला करते हुए कहा था कि एक पप्पू दिल्ली में बैठा है और दूसरा छोटा पप्पू यहां भी है, जिसके बाद विक्रमादित्य सिंह भड़क गए। विक्रमादित्य ने कंगना के बयान पर क्या कहा पहले वो सुनिए, उसके बाद बताता हूं कंगना ने एक बार फिर विक्रमादित्य की कैसे खिंचाई की। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। कंगना रनौत सियासत में भले ही नहीं हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी उन्होंने पॉलिटिक्स खूब झेली। उद्धव ठाकरे के साथ हुई इनकी लड़ाई तो आपको याद ही होगी। जिस तरह से कंगना ने मुंबई में उनके साथ हुई पॉलिटिक्स को हैंडल किया था, ठीक उसी तरह मंडी में भी कांग्रेस को पानी पिला रही है। सुनिए एक बार कंगना को भी। उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की,
अरे भाई किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। तो कंगना जो है वो बोलने में तो स्मार्ट है ही, और अब तो पॉलिटिक्स में आ रही है, तो उन्होंने उसको थोड़ा घुमा फिरा के अपनी बात कह भी दी है। लेकिन